अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है यार। आप लोगों से बार बार कहा है मिलने के लिए, नंबर का, रिप्लाई का, व्हाट्सएप कॉल, सब कुछ ठीक है। और बहुत सारे लोग कहते हैं हमारी वीडियोस डाल दो। देखिए, आप तो चाहते हैं प्रमोशन हो, और ईसा भाई अगर सीधा सीधा काम कर रहे हैं तो बगैर पैसों के करें ठीक है, तो एडना भी नहीं तंग करो सानू। और प्रमोशनल वीडियोस के लिए आप रابطہ कर सकते हैं, पोस्ट लगानी है, वीडियो डालनी है, नो प्रॉब्लम, हम बैठ के बात कर सकते हैं। लेकिन पैसे तो देने पड़ेंगे ना सर जी, फ्री नहीं होगा। और जो लोग नंबर मांगते हैं वो बताते कुछ और हैं, नंबर के बाद वो फिर वो कुछ और स्टोरी शुरू कर लेते हैं। ये सब छोड़ दिया करें, आप पहले ही खुल के बोले ना, सच बोले कि हमारा ये प्लान है, नंबर दे दें और आओ। एक बंदे ने नंबर लिया, जी कंपनी बनानी है हमें, ये है हमारे पास और क्या क्या चाहिए होगा प्लीज बता दें, ये वो। नंबर दिया, नाम शाम हमने पहले पूछ लिया था उनसे, कुछ उनकी प्रोफाइल से पता चल गया। और ईसा भाई एक पोस्ट ला दियो, बड़े हालात मंदे ने, एक पोस्ट ला दियो। तो मैंने बोला जी फ्री में तो नहीं लगाएंगे। अच्छा, हालात ठीक हो जाएंगे, पैसे आएंगे तो फिर आपको पैसे दे देंगे, चाय पीनी, खाना खाना। मैंने ये तो काना करने वाली गल है ठीक है ना, आप इस तरह के शुगल मुगल ना किया करें। बाद में पता चला कि वो तो प्लांटेड बंदा था सिर्फ इंसल्ट करने के लिए। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि दुनिया बड़ा कुछ करती है, तो किसी की सादगी को जो है उसकी कमजोरी मत समझें, कोई भी कभी भी, वरना वो आपको ऐसा रगड़ेगा कि आप मलते नहीं रहेंगे इलाज करवाएंगे, सर्जरी करवाओगे तो सिर्फ बराबर ठीक है। तो शाणेबाजियाँ मत किया करें, अपना ख्याल रखें। रابطہ करना हो आप कर सकते हैं, इंस्टा फेसबुक सेम नेम की आईडी है, जिनके पास व्हाट्सएप कॉल नंबर है नो प्रॉब्लम, यू कैन कॉल अस, यू कैन टेक्स्ट अस, यू कैन नॉट वॉइस अस ठीक है। वॉइस मैसेज मत किया करें और टाइम वेस्ट भी मत किया करें प्लीज़, अपना भी और दूसरों का भी ठीक है। अगर आप ज़्यादा वेले हैं तो फिर तो आप दूसरों का टाइम मत वेस्ट करें। बहुत सारे लोगों को बस ऐसा है कि नंबर ईसा भाई का, मैं कुछ नहीं हूँ आपकी तरह ही बंदा हूँ। ओए, इतनी वाइब्रेशन हो रही गाड़ी में। अब आप कहेंगे उस्ताद जी आप जो है ना वो बहुत अगेंस्ट हैं। अगेंस्ट क्या है, अब एक हमारे अपने मित्र, हमारे अपने जो देश के लोग हैं, वो टायर की वो नोजल होती ना, वो एयर वाली, हवा भरने वाली, वो चेंज करवाई है, उसके बाद से बबलिंग ही नहीं जा रही। यानी सिर्फ टायर निकाला है, वो नोजल चेंज की है और खलास, उसके बाद से ये है देखें वाइब्रेशन। सो क्या कह सकते हैं। अब उससे मैंने कहा जी, कह रहा जी अलाइनमेंट करा था, गड्डी पहले ही ख़राब सी। मैंने बोला जब से आपने टायर चेंज करके दोबारा लगाया है ये गड़बड़ शुरू हुई है, एक दफ़ा फिर खोलो टायर को, दोबारा अच्छे से फिट करो। सो नहीं माना, क्या कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिए, गांव में याद रखिए, इंस्टा फेसबुक सेम नेम आईडी है, मैसेज कर दें, वहाँ पे आपको सारा प्यार मोहब्बत किया जाएगा और नंबर भी शेयर कर दिया जाएगा, व्हाट्सएप का भी, कॉल का भी। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।